Fire Unit to Arunachal. मंच पर विराजमान अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर बीडी मिश्रा जी, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान प्रेमा खांडू जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए जो विशेष रूप से ध्यान देते हैं, डोनर मंत्रालय को देखते हैं, मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी, गृह विभाग के मेरे मंत्रालय को देखने वाले श्रीमान किरेन रिजू जी, राज्य के उप मुख्यमंत्री श्रीमान चौनामैन जी, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान टीएन थंदोक जी, राज्य सरकार में मंत्री श्रीमान नवाब रेबिया जी, सांसद श्रीमान निनोंग इरिंग जी, सांसद श्रीमान रमन डेका जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान तापिर गांव जी और विशाल संख्या में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हिंदुस्तान को उगते सूरज की ओर देखना होता है, सूर्योदय को देखना होता है, तो पूरे हिंदुस्तान को सबसे पहले अरुणाचल की तरफ अपना मुंह करना पड़ता है। हमारा पूरा देश, 125 करोड़ देशवासी, सूर्योदय देखना है तो अरुणाचल की तरफ निगाह किए बिना सूर्योदय देख नहीं पाते। और जिस अरुणाचल से अंधेरा छटता है, प्रकाश फैलता है, आने वाले दिनों में भी यहां विकास का ऐसा प्रकाश फैलेगा जो भारत को रोशन करने में काम आएगा। अरुणाचल मुझे कई बार आने का सौभाग्य मिला है। जब संगठन का काम करता था तब भी आया, गुजरात में मुख्यमंत्री रहा तब भी आया, और प्रधानमंत्री बनने के बाद आज दूसरी बार आप सबके बीच आपके दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। अरुणाचल एक ऐसा प्रदेश है कि अगर आप पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण करके आए, हफ्ते भर भ्रमण करके आए और अरुणाचल में एक दिन भ्रमण करें, पूरे हफ्ते भर में पूरे हिंदुस्तान में जितनी बार आप जय हिंद सुनोगे उससे ज्यादा बार जय हिंद अरुणाचल में एक दिन में सुनने को मिलता है। यानी शायद हिंदुस्तान में ऐसी परंपरा अरुणाचल प्रदेश में मिलेगी कि जहां पर एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए समाज जीवन का स्वभाव जय हिंद से शुरू हो गया है और जय हिंद से जुड़ गया है। रगे रग में भरी हुई देशभक्ति, देश के प्रति प्यार, ये अपने आप में अरुणाचल वासियों ने
ये तपस्या करके इसको आपने रग रग का हिस्सा बनाया है, कण कण का हिस्सा बनाया है। जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा हिंदी बोलना समझने का अगर कोई प्रदेश है तो मेरा अरुणाचल प्रदेश है। और मैं तो मुझे हैरानी हो रही, इन दिनों में नॉर्थ ईस्ट में मेरा दौरा होता रहता है। पहले तो आपको जान मालूम है प्रधानमंत्रियों को इतना काम हुआ करता था, वो यहां तक आ नहीं पाते थे। और मैं एक ऐसा प्रधानमंत्री हूं कि आपके बीच आए बिना रह नहीं पाता हूं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में इन दिनों में जाता हूं तो मैं देख रहा हूं कि सब नौजवान बैनर लेके खड़े हुए नजर आते हैं और मांग करते हैं हमें हिंदी सीखना है, हमें हिंदी सिखाओ। ये बड़ा रिवॉल्यूशन है जी। मेरे देश के साथ वहां के लोगों से मैं उनकी भाषा में बातचीत कर पाऊं, ये जो ललक है और युवा पीढ़ी में है, ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत लेकर के आई है। आज मुझे यहां 3 कार्यक्रमों का अवसर मिला है। भारत सरकार के बजट से, भारत सरकार की योजना से, डोनर मंत्रालय के माध्यम से ये भेंट सौगात अरुणाचल की जनता को मिली है। सेक्रेटरीएट का काम तो प्रारंभ हो चुका। कभी कभी हम अखबारों में देखते हैं ब्रिज बन जाता है, लेकिन नेता को समय नहीं, इसलिए ब्रिज का उद्घाटन होता नहीं और महीनों तक पड़ा रहता है। रोड बन जाता है, नेता को समय नहीं, रोड वैसे ही के वैसा बना पड़ा रहता है। हमने आकर के एक नया कल्चर शुरू किया। हमने नया कल्चर ये शुरू किया कि आप नेता का इंतजार मत करो, प्रधानमंत्री का इंतजार मत करो। अगर योजना पूरी हो चुकी है उपयोग करना शुरू कर दो, जब माने का अवसर मिलेगा उस दिन लोकार्पण कर देंगे। काम रुकना नहीं चाहिए। और मुझे प्रेमा जी के प्रति अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने काम शुरू कर दिया और लोकार्पण का काम आज हो रहा है। पैसे कैसे बच सकते हैं, पैसों का कैसे सदुपयोग हो सकता है, इस बात को हम भली भांति से छोटे से निर्णय से भी समझ सकते हैं, देख सकते हैं भाई। और सरकार जब बिखरी बिखरी होती है, कोई डिपार्टमेंट यहां, कोई वहां, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा, मकान भी पुराना, जो अफसर बैठता है वो भी सोचता है जल्दी घर कैसे जाऊं। अगर एनवायरमेंट ठीक होता है, दफ्तर का एनवायरमेंट ठीक होता है, तो उसका वर्क कल्चर पर भी एक सकारात्मक प्रभाव होता है। जितनी सफाई होती है, फाइलें ढंग से रखी हुई हैं, वरना कभी तो क्या होता है, अफसर जब अफसर में दफ्तर जाता है तो पहले कुर्सी को पटपट करता है ताकि मिट्टी उड़ जाए और फिर बैठता है, लेकिन उसको मालूम नहीं, वो ऐसा उड़ाता है, बाद में वो वहीं पड़ती है। लेकिन एक अच्छा दफ्तर बनने के कारण और एक ही कैंपस में सारे यूनिट आने के कारण अब गांव से कोई व्यक्ति आता है, सेक्रेटरीएट में उसको काम है, तो उसको बेचारे को वो कहने के तक इधर नहीं, दूर जाओ, तो उसको वहां से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, फिर वहां जाएगा कोई कहेगा यहां नहीं, फिर 2 किलोमीटर दूर तीसरे दफ्तर में जाना पड़ेगा। अब वो यहां आया,
किसी गलत डिपार्टमेंट में पहुंच गया तो वो कहेगा कि बाबूजी आप आए अच्छी बात है, लेकिन ये बगल वाले कमरे में चले जाएंगे। सामान्य मानवी को भी इस व्यवस्था के कारण बहुत सुविधा होती है। दूसरा, सरकार सायलों में नहीं चल सकती, सब मिलजुल करके एक दिशा में चलते हैं तभी सरकार परिणामकारी बनती है। लेकिन अगर टेक्निकल रूप में कोऑर्डिनेशन होता रहता है तो उसकी ताकत थोड़ी कम होती है, लेकिन अगर सहज रूप से कोऑर्डिनेशन होता है तो उसकी ताकत बहुत ज्यादा होती है। एक कैंपस में सब दफ्तर होते हैं तो सहज रूप से मिलना जुलना होता है, कैंटीन में भी अफसर एक साथ चले जाते हैं, एक दूसरे की समस्या की चर्चा कर करके समाधान कर लेते हैं, यानी काम की निर्णय प्रक्रिया में कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, डिलीवरी सिस्टम तेज हो जाती है, निर्णय प्रक्रिया बहुत ही सरल हो जाती है। और इसलिए इन नए सेक्रेटरियट के कारण अरुणाचल के लोगों के सामान्य मानवीय के जीवन के आशा आकांक्षाओं से पूर्ति के लिए उसी प्रकार से आज एक महत्वपूर्ण काम, और वो मैं अपने आप में गर्व समझता हूं, श्रीमान दोरजी खंडो स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर का आज लोकार्पण करते हुए। ये सिर्फ एक इमारत का लोकार्पण नहीं है, ये एक प्रकार से अरुणाचल के सपनों का एक जीता जागता ऊर्जा केंद्र बन सकता है। एक ऐसी जगह जहां कॉन्फ्रेंसिस के लिए सुविधा होगी, कल्चरल एक्टिविटी के लिए सुविधा होगी, और अगर हम अरुणाचल में टूरिज्म बढ़ाना चाहते हैं तो मैं भी भारत सरकार की भिन्न भिन्न कंपनियों को कहूंगा कि अब वहां कन्वेंशन सेंटर बना है, आपकी जनरल बोर्ड की मीटिंग जाओ अरुणाचल में करो। मैं प्राइवेट इन लोगों को बताऊंगा कि भाई ठीक है, ये दिल्ली मुंबई में बहुत कर लिया, जरा जाइए तो कितना प्यारा मेरा प्रदेश है अरुणाचल, जरा उगते सूरज को वहां जाकर के देखिए। मैं लोगों को धक्का लगाऊंगा और इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का आना जाना शुरू होगा तो आजकल टूरिज्म का एक क्षेत्र होता है कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, और ऐसी व्यवस्था जब बनती है तब सब लोगों का आना बड़ा स्वाभाविक होता है। हम लोगों ने सरकार में भी एक नया प्रयोग शुरू किया है, हम सरकार दिल्ली से 70 साल तक चली और लोग दिल्ली की तरफ देखते थे, हमें आकर सरकार को हिंदुस्तान के हर कोने में ले जाने का बीड़ा उठाया है। अब सरकार दिल्ली से नहीं, हिंदुस्तान के हर कोने को लगना चाहिए, सरकार वो चला रहे हैं। हमने हमारा एक एग्रीकल्चर समिट किया तो सिक्किम में किया, पूरे देश के मंत्रियों को बुलाया, हमने कहा जरा देखो सिक्किम देखो अब कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम हुआ है। आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में भारत सरकार के अलग अलग विभागों के मंत्रालयों की बड़ी बड़ी मीटिंग बारी बारी से अलग अलग जगह पे हो, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग में शायद मोरारजी भाई देसाई आखिरी प्रधानमंत्री आए थे, उसके बाद किसी को फुर्सत ही नहीं मिली, बहुत बिजी होते ना पीएम। लेकिन मैं आपके लिए ही तो आया हूं, आपके कारण आया हूं और आपके खातिर आया हूं, और इसलिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग में मैं रहा, विस्तार से चर्चाएं की। इतना ही नहीं, हमने पूरी दिल्ली सरकार में से मंत्रियों को मैंने आदेश किया कि बारी बारी से हर मंत्री अपने स्टाफ को लेकर के
नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में जाएंगे। महीने में कोई सप्ताह ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत सरकार का कोई न कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट के किसी न किसी राज्य के किसी न किसी कोने में गया नहीं है, और ये पिछले 3 साल से लगातार चल रहा है। इतना ही नहीं, डोनर मंत्रालय दिल्ली में रह बैठ करके नॉर्थ ईस्ट का भला करने में लगा हुआ था। हमने कहा किया, अच्छा किया, अब एक और काम करो, पूरा डोनर मंत्रालय हर महीना उसका पूरा सेक्रेटरिएट नॉर्थ ईस्ट में आता है, अलग अलग राज्यों में जाता है, वहां रुकता है, और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए सरकार, भारत सरकार ने क्या करना चाहिए, मिल बैठ करके चर्चा होकर के योजना होती है, रिव्यू होता है, मॉनिटरिंग होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, और उसके कारण ट्रांसपेरेंसी भी आती है, काम नीचे दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था जो खड़ी होती है, ये जो कन्वेंशन सेंटर बना है, वो भारत सरकार की भी अनेक मीटिंगों के लिए एक नया अवसर लेकर के आता है, और उसका भी लाभ होगा। आज यहां पर एक मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल, उसके शिलान्यास का मुझे अवसर मिला है। हमारे देश में आरोग्य के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता हम महसूस करते हैं। एक होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दूसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा होता है मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स। हम इन तीनों दिशाओं में हेल्थ सेक्टर को ताकत देने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा एक सपना है कि हो सके उतना जल्दी हिंदुस्तान में 3 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में कम से कम एक बड़ा अस्पताल और एक अच्छी मेडिकल कॉलेज बन जाए। भारत में इतनी बड़ी मात्रा में मेडिकल कॉलेजेस बनेगी, और वहीं का स्थानीय बच्चा, स्टूडेंट, अगर वहां मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है तो वहां की बीमारियां, स्वाभाविक होने वाली बीमारियां, उसका उसको अता पता होता है। वो दिल्ली में पढ़ करके आएगा तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेगा, और अरुणाचल की बीमारी कुछ और होगी, लेकिन अरुणाचल में पढ़ेगा तो उसको पता होगा कि यहां के लोगों को सामान्य रूप से ये 4-5 प्रकार की तकलीफें होती हैं। इसके कारण ट्रीटमेंट पे एक क्वालिटेटिव सुधार आता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में लोकल टच होता है, और इसलिए हम मेडिकल एजुकेशन को दूर दरार इंटीरियर ले जाना चाहते हैं। और दूसरा, जब वहीं पर वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ करके निकलता है तो बाद में भी वो वहीं रहना पसंद करता है, उन लोगों की चिंता करना पसंद करता है, और उसके कारण उसकी भी रोजी रोटी चलती है और लोगों को भी स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती है। तो मुझे खुशी है कि आज अरुणाचल प्रदेश में वैसे ही एक निर्माण कार्य का मुझे शिलान्यास करने का अवसर मिला है, जिसका इसके लिए आने वाले दिनों में लाभ होगा। भारत सरकार ने हर गांव में आरोग्य की सुविधा अच्छी मिले, उसको दूर दराज तक, क्योंकि हर किसी को मेजर बीमारी नहीं होती है, सामान्य बीमारियों को तरफ उपेक्षा का भाव, और सुविधा के कारण चलो थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे, फिर इधर उधर की कोई भी चीज लेकर के चला लेना, और गाड़ी फिर निकल जाए फिर बीमार हो जाए, और गंभीर बीमारी होने तक उसको पता ही ना चले। इस स्थिति को बदलने के लिए इस बजट में भारत सरकार ने हिंदुस्तान के 22,000 पंचायतों में 2 लाख
जहां पर हम वेलनेस सेंटर करने वाले हैं, वेलनेस सेंटर, ताकि अगल बगल के दो तीन गांव के लोग उस वेलनेस सेंटर का लाभ उठा सके और उस वेलनेस सेंटर से वहां पर मिनिमम पैरामीटर की चीजें, व्यवस्थाएं, स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम ग्रामीण हेल्थ सेक्टर को इस बार बजट में हमने घोषित किया है। वेलनेस सेंटर का करीब करीब हिंदुस्तान की सभी पंचायत तक ये पहुंचने का हमारा प्रयास है। और जो मैं 22,000 कह रहा था वो किसानों के लिए, हम आधुनिक मार्केट के लिए काम करने वाले हैं देश में, ताकि अगल बगल के 12-15-20 गांव के लोग उस मंडी में किसान आकर के अपना माल बेच सके। तो हर पंचायत में वेलनेस सेंटर और एक ब्लॉक में दो या तीन, करीब करीब 22,000 किसानों के लिए खरीद बिक्री के बड़े सेंटर्स। तो ये दोनों तरफ हम काम ग्रामीण सुविधा के लिए कर रहे हैं। लेकिन इससे आगे एक बड़ा काम, हमारे देश में बीमार व्यक्ति की चिंता करने के लिए हमने कई कदम उठाए, होलिस्टिक कदम उठाए हैं, टुकड़ों में नहीं। जैसे एक तरफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दूसरी तरफ अस्पताल बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, तीसरी तरफ आज गरीब को अगर बीमारी घर में आ गई, मध्यम वर्ग का परिवार हो, बेटी की शादी कराना तय किया हो, कार खरीदना तय किया हो, बस अगली दिवाली में कार लाएंगे तय किया हो, और अचानक पता चले कि परिवार में किसी को बीमारी आई है, तो बेटी की शादी भी रुक जाती है, मध्यम वर्ग का परिवार कार लाने का सपना बेचारा छोड़कर के साइकिल पे आ जाता है, और सबसे पहले परिवार की व्यक्ति की बीमारी की चिंता करता है। अब यह स्थिति, इतनी महंगी दवाइयां, इतने महंगे ऑपरेशन, मध्यम वर्ग का मानवी भी टिक नहीं सकता है। इस सरकार ने विशेष करके, क्योंकि गरीबों के लिए कई योजनाएं हैं लापरवाह, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए असुविधा हो जाती है। हमने पहले अगर हार्ट की बीमारी होती है, स्टेंट लगाना होता था, तो उसकी कीमत 1-1.5 लाख, 1.5 लाख होती थी, और वो बेचारा जाता था डॉक्टर को, पूछता था साहब स्टेंट का, तो डॉक्टर कहता था ये लगाओगे तो 1.5 लाख, ये लगाओ तो 1 लाख। फिर वो पूछता था साहब ये दोनों में फर्क क्या है, तो वो समझाता था कि 1 लाख वाला है 5-7 साल तो निकाल देगा, लेकिन 1.5 लाख वाले में कोई चिंता नहीं, जिंदगी भर रहेगा। तो अब कौन कहेगा 5 साल के लिए जीऊं कि जिंदगी पूरी पूरी करूं, वो 1.5 लाख वाला ही करेगा। हमने कहा भाई इतना खर्चा कैसे हो। हमारी सरकार ने मीटिंगें की, बातचीत की, उनको समझाने का प्रयास किया, और मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे अरुणाचल के भाइयों बहनों, हमने स्टैंड की कीमत 70-80% कम कर दी। जो 1-1.5 लाख में थी वो आज 15,000, 20,000, 25,000 में आज उसकी बीमारी में उसको आवश्यक उपचार हो जाता है। दवाइयां हमने करीब करीब 800 दवाइयां जो रोजमर्रा की जरूरत होती है, 3,000 के करीब अस्पतालों में सरकार की तरफ से जन औषधालय परियोजना शुरू की है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP, और उसमें 800 के करीब दवाइयां, पहले जो दवाई 150 रुपए में मिलती थी वही दवाई, वही क्वालिटी सिर्फ 15 रुपए में मिल जाए, ऐसा प्रबंध करने का काम किया। अब एक काम किया है कि गरीब व्यक्ति, इसके बावजूद भी 10 करोड़ परिवार ऐसे हैं कि बीमार होने के बाद न वो दवाई लेते हैं, न उनके पास पैसे होते हैं,
और इस देश का गरीब अगर बीमार रहेगा तो रोजी रोटी भी नहीं कमा सकता है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है और पूरे समाज को एक प्रकार से बीमारी लग जाती है, राष्ट्र जीवन को बीमारी लग जाती है, अर्थव्यवस्था को रोकने वाली परिस्थिति पैदा हो जाती है। और इसलिए सरकार ने एक बहुत बड़ा काम उठाया है, हमने एक आयुष्मान भारत इस योजना और इसके तहत गरीबी के रेखा के नीचे जीने वाले जो परिवार हैं उसके परिवार में कोई भी बीमारी आएगी तो सरकार उसका इंश्योरेंस निकालेगी और 5 लाख रुपए तक, 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक अगर दवाई का खर्चा हुआ तो वो पेमेंट उसको इंश्योरेंस से मिल जाएगा, उसको खुद को अस्पताल में 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। और इसके कारण प्राइवेट लोग अब अस्पताल बनाने के लिए भी आगे आएंगे। और मैं तो सभी राज्य सरकारों का आग्रह करता हूं कि आप अपने यहां हेल्थ सेक्टर की नई पॉलिसी बनाई है, प्राइवेट लोग अस्पताल बनाने के लिए आए तो उनको जमीन कैसे देंगे, किस प्रकार से करेंगे, कैसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, उनको एनकरेज करिए और हर राज्य में 50-50, 100-100 नए अस्पताल आ जाएं। उस दिशा में बड़े बड़े राज्य काम कर सकते हैं और देश के मेडिकल सेक्टर को एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाने की संभावना इस आयुष्मान भारत योजना के अंदर है। और उसके कारण सरकारी अस्पताल भी तेज चलेंगे, प्राइवेट अस्पताल भी आएंगे और गरीब से गरीब आदमी को 5 लाख रुपया तक बीमारी की स्थिति में हर वर्ष परिवार का कोई भी सदस्य बीमार हो जाए, ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े उसकी चिंता होगी। तो ये काम आज भारत सरकार ने बड़े मिशन मोड में उठाया है और आने वाले दिनों में इसका लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, आज मैं आपके बीच में आया हूं, 3 कार्यक्रम की तो आपको सूचना थी लेकिन एक चौथी सौगात भी लेकर के आया हूं, बताऊं? और ये चौथी सौगात है नई दिल्ली से नहार लागून एक्सप्रेस, अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी और उसका नाम अरुणाचल एक्सप्रेस होगा। आप अभी हमारे मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि कनेक्टिविटी, चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग इतने ताकतवर हैं, इतने सामर्थ्यवान हैं, इतने ऊर्जावान हैं, इतने तेजस्वी हैं, अगर ये कनेक्टिविटी मिल जाए ना तो पूरा हिंदुस्तान उनके यहां आकर के खड़ा हो जाए। इतनी और इसलिए जैसे अभी हमारे मंत्री जी हमारे नितिन गडकरी जी की भरपूर तारीफ कर रहे थे, 18,000 करोड़ रुपया के अलग अलग प्रोजेक्ट इन दिनों अकेले अरुणाचल में चल रहे हैं, 18,000 करोड़ रुपया के भारत सरकार के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। चाहे रोड को चौड़ा करना हो, 4 लाइन करना हो, चाहे ग्रामीण सड़क बनाना हो, चाहे नेशनल हाईवे बनाना हो, एक बड़ा मिशन मोड में आज हमने काम उठाया है डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए। और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, कुछ चीजें उन्होंने ऐसी की हैं जो शायद ये अरुणाचल प्रदेश दिल्ली के बगल में होता ना तो रोज प्रेमा खंडू टीवी पर दिखाई देते, सब अखबारों में प्रेमा खंडू का छोटा फोटो दिखाई देता, लेकिन इतने दूर है कि लोगों का ध्यान नहीं जाता।
उन्होंने 2027 10 साल के भीतर भीतर अरुणाचल कहां पहुंचना चाहिए, कैसे पहुंचना चाहिए, इसके लिए सिर्फ सरकार के सीमा में नहीं, उन्होंने अनुभवी लोगों को बुलाया, देश भर से लोगों को बुलाया, पुराने जानकार लोगों को बुलाया और उनके साथ बैठकर के विचार विमर्श किया और एक ब्लूप्रिंट बनाया कि अब इसी रास्ते पर जाना है और 2027 तक हम अरुणाचल को यहां लेकर के जाएंगे। गुड गवर्नेंस के लिए ये बहुत बड़ा काम मुख्यमंत्री जी ने किया है और मैं उनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। दूसरा, भारत सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और मुझे खुशी है कि प्रेमा खंडू जी की तरफ से मुझे उस काम में भरपूर सहयोग मिल रहा है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इस देश में संसाधनों की कमी नहीं है, इस देश में पैसों की कमी नहीं है, लेकिन जिस बाल्टी में पानी डालो लेकिन बाल्टी के नीचे छेद हो तो बाल्टी भरेगी क्या? हमारे देश में पहले ऐसा ही चला है, पहले ऐसा ही चला है। हमने आधार कार्ड का उपयोग करना शुरू किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का काम किया। आप हैरान होंगे, हमारे देश में विधवाओं की जो सूची थी, विडोज की, जिनको भारत सरकार की तरफ से हर महीना कोई ना कोई पैसा मिलता था, पेंशन जाता था, ऐसे ऐसे लोगों के उसमें नाम थे कि जो बच्ची कभी इस धरती पर पैदा ही नहीं हुई लेकिन सरकारी दफ्तर में वो विडो हो गई थी और उसके नाम से पैसे जाते थे। अब बताइए वो पैसे कहां जाते होंगे, कोई तो होगा ना। अब हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके सब बंद कर दिया और देश का करीब करीब ऐसी योजनाओं में करीब करीब 57,000 करोड़ रुपया बचा है। बताइए 57,000 करोड़ रुपया, अब ये पहले किसी के जेब में जाता था, अब देश के विकास में काम आ रहा है, अरुणाचल के विकास के काम आ रहा है। ऐसे कई कदम उठाए, कई कदम उठाए हैं और इसलिए भाइयों बहनों, आज मेरा जो स्वागत सम्मान किया, मुझे भी आपने अरुणाचली बना दिया। मेरा सौभाग्य है कि भारत को प्रकाश जहां से मिलने की शुरुआत होती है वहां विकास का सूर्योदय हो रहा है। जो विकास का सूर्योदय पूरे राष्ट्र को विकास के प्रकाश से प्रकाशित करेगा, इसी एक विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए जय हिंद। अरुणाचल का जय हिंद तो पूरे हिंदुस्तान को सुनाई देता है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।